जम्मू आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया उग्र प्रदर्शन। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट तिराहे पर आज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों व उन्हें संरक्षण देने वालों को फांसी दिए जाने की रखी मांग। आपको बता दें कि बीती 9 जून को जम्मू कश्मीर के रायसी इलाके में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और करीब 30 लोग घायल हुए थे। जो 9 तारीख को आपके संज्ञान में आया है कि इस्लामिक पोषित आतंकवादियों ने जो कायरतापूर्ण हमला भारत हिंदुओं पर किया है, जो हिंदू समाज माता वैष्णो देवी दरबार में दर्शन करने जा रहा था उन पर कायरतापूर्वक जो हमला किया गया है, उसको लेकर पूरे देश के हमारी यह मांग है कि जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार का महिलाओं पर, बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर जो ये आतंकवादी हमला किया है, इस पर भारत सरकार कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई और अविलंब इसमें की जाए। इसी मांग को लेकर आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से देने आए हैं। सहारनपुर जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। सीएमएस डॉक्टर रामानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल का आज निरीक्षण किया गया है। अस्पताल की साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्थाओं के साथ अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों से भी वार्ता की गई है, जिनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। आज मेरे और सीएमए के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। ओपीडी काउंटर में मरीज के जो ओपीडी काउंटर देखा गया, पूरे जो है इमरजेंसी से शुरू किया था, इमरजेंसी में कई मरीजों से बातचीत भी करी और सबको सुविधाओं के बारे में जाना। इमरजेंसी मरीज जो कई जिसके एसआईटीस के भी पेशेंट हैं, जो मतलब नॉर्मल हैं, सबको जो समुचित उपचार दिया जा रहा है, जांचों के बारे में पूछा गया, सबकी जांच दुरुस्त पाई गई और डॉक्टरों को जो उनके मरीजों के द्वारा बताया गया कि सभी चिकित्सक समय पर राउंड दे रहे हैं और सारा स्टाफ टोटल समय पर दवाई दे रहा है। और उसको देखा भी है कि हमारे शौचालय के सारे जो है ठीक से काम कर रहे हैं, सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं और फर्श आपने देखा कि मैं तो समझता हूँ कि अगर आदमी सुबह को नया जूता पहन के निकले तो उसके जूते पे धूल नहीं लगेगी, इतनी साफ सफाई व्यवस्था है। दिन में 4-4, 6-6 बार जब भी जब थोड़ा सा वो होता है तभी जो है सफाई तुरंत करी जाती है, किसी को कहने का मौका नहीं मिलता। आदमी जब मरीजों के साथ खाना तीमारदार आते हैं, वो खाना भी खाते हैं तो उनके लिए भी स्पेशल कहा हुआ है कि यदि कोई गंदगी होती है तुरंत साफ करी जाए। सहारनपुर न्यू आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले सचिन जैन की चोरों ने उसके घर के बाहर खड़ी ई रिक्शा चोरी कर ली। सचिन ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले भी चोरों ने उसकी ई रिक्शा की बैटरी चोरी कर ली थी और अब ई रिक्शा ही चोरी कर ले गए। उसने बताया कि वह परिवार का पालन पोषण करने के लिए रिक्शा चलाकर कुछ रुपये कमाता है ताकि परिवार का गुजारा हो सके। सचिन ने आज पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी से ई रिक्शा बरामदगी की गुहार लगाई है। मेरे पिताजी विपिन जैन रिक्शे, हमारी एक रिक्शा है, दूसरी बार ये दुर्घटना हो रही है। पहले भी घर से बैठे चोरी हो गए, अब के रिक्शा चोरी, रिक्शा लेके गए खुलेआम रात को 3-4 बजे के बीच। और इसमें क्या लोग आवास विकास पे यही हो रहा है, उसके बाद भी पुलिस में कहते हैं तो वे कहते हैं जी ये तो छोटा ही मामला है, हम तो गरीब आदमी है, रिक्शा छोड़ दी, तोड़ के बैटरी निकाल लिए और कार में लेके गए बैटरों को, उसके बाद अभी तक उनका पता ही नहीं चल पा रहा। रिक्शा बहुत हमने किस्तों में खरीदी थी, अब कहाँ से हम रिक्शा बनावेंगे, एक ही बैटरी हमारे 4 बैटरी 50-100 हजार रुपए के लग जाए, हमारे तो लग गए 1 लाख की चोट। रिक्शा जब हमने ली थी 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए की रिक्शा ली थी, अभी 2 महीने पहले बैटरी डलवाए थे 40 हजार रुपए के, उससे 6 महीने पहले चोरी हो चुके थे बैटरी जब दूर डलवाए। सहारनपुर वार्ड नंबर 28 के जनक नगर में पानी नहीं आने और कुछ घरों में गंदा पानी आने के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम के अलावा लखनऊ में भी की है, मगर समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। वार्डवासी महिला ने बताया कि करीब 10 दिन से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बार बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हमें बहुत ही परेशान है, पानी तो आता ही नहीं, इतनी गर्मी हो रही है। और अगर देखो टंकी में भी अगर रात को 3 बजे 2 बजे टपका टपका आ रहा है, वो भी काला पानी है,
किसी काम का नहीं है। और ये नलका तो है ही आपके सामने, क्या कैसा हो रहा, बहुत बेकार है ये तो, कई साल हो गए, कई साल हो गया, और अब तो ऐसा है कि अब तो टंकियों में भी नहीं आ रहा पानी। तो पानी की व्यवस्था के लिए क्या करते हैं आप? दूर से लाना पड़े कहीं से, बस पीना का कहीं से देख दाख के लावे किसी के, वहां से दूर जाऊं इधर से किसी के।